अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं के निर्यात पर लगे बैन के करीब 2 महीने बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने करीब 16 लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं निर्यातकों को दिया गया है जिनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC है। भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार गेहूं के उस खेप के निर्यात के लिए अनुमति दे रही है जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट 13 मई या उससे पहले जारी कर दिए गए थे। सरकार ने देश में बड़ी अनाज की कीमतों पर काबू पाने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दोनों ही देश गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक हैं। रूस और यूक्रेन मिलकर वैश्विक गेहूं आपूर्ति का लगभग 1/4 हिस्सा पूरा करते हैं। वहीं वेद लेटर ऑफ क्रेडिट वाले निर्यातकों को अपनी खेप भेजने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी मिलेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी निर्यातकों को RC जारी करेंगे। वहीं बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि अब तक लगभग 16 लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए RC जारी किए जा चुके हैं। रूस ने तुर्की के माध्यम से गेहूं का निर्यात शुरू कर दिया है। वैश्विक बाजारों में भी अब कीमतें स्थिर हो चुकी हैं। वहीं अन्य देश की तुलना में भारतीय गेहूं की बेहतर मांग के कारण 2021-22 में भारत ने 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। इसकी कीमत करीब 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पिछले वित्त वर्ष के कुल गेहूं निर्यात में से लगभग 50% शिपमेंट बांग्लादेश को भेजा गया था। 2020-21 में भारतीय गेहूं का सबसे अधिक आयात करने वाले देश की बात करें तो इनमें बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल थे। वहीं भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत ने 2020 में दुनिया के कुल उत्पादन के लगभग 14% का योगदान दिया था। भारत सालाना लगभग 107.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में जाता है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।